ये वीडियो बनाई गई है ADAS के फीचर्स के बारे में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है व्हीकल के सामने तो ESP कार को स्किड करने से बचाता है, और बिना ESP के कार स्किड होती है जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। और ESP को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी कह सकते हैं। अब जानते हैं ESP के कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे ये व्हील स्पीड सेंसर। व्हील स्पीड सेंसर जो कि व्हील के स्पीड को मेजर करता है। ड्यूरेट सेंसर, व्हीकल की रोटेशन कितनी है, यानी अपने वर्टिकल एक्सिस पे व्हीकल कितना रोटेट हुआ है उसको सेंस करता है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर, स्टीयरिंग को कितना घुमाया हुआ है उसको मेजर करता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। कंट्रोल यूनिट, सभी सेंसर कनेक्ट होते हैं कंट्रोल यूनिट से, और जो सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आउटपुट देता है। हाइड्रोलिक यूनिट, हाइड्रोलिक यूनिट जो कनेक्ट होता है ब्रेकिंग सिस्टम से। आप जानते हैं ESP कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है व्हीकल के सामने तो ड्राइवर लेफ्ट टर्न लेता है, तो उस दौरान स्टीयरिंग सेंसर एंगल उस स्टीयरिंग के एंगल को रिकॉर्ड करता है, यानी मेजर करता है। और ड्यूरेट सेंसर व्हीकल के रोटेशन एंगल को सेंस करेगा, लेकिन जब भी गाड़ी को स्टीयर करता है यानी घुमाता है तो फिर भी गाड़ी सीधी जाती है, उस दौरान क्या होता है ESP सिस्टम तुरंत ब्रेक लगाता है पिछले पहिए में, जिससे काउंटर फोर्स प्रोड्यूस होता है और गाड़ी टर्न हो जाती है। और फिर ड्राइवर फिर से राइट टर्न लेता है तो उस दौरान क्या होता है ESP सिस्टम फिर फ्रंट व्हील पे ब्रेक लगाता है ताकि टॉर्क प्रोड्यूस हो और गाड़ी सीधी हो जाए। पार्किंग सेंसर, पार्किंग सेंसर भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। पार्किंग सेंसर सिस्टम में यूज करा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक सेंसर। पार्किंग सेंसर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी कहा जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सेंसर होते हैं जो आसपास के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के। और पार्किंग सेंसर की लोकेशन होती है फ्रंट और रियर व्हील बम्पर पर, और ये सेंसर एकॉस्टिक पल्स एमिट करते हैं, और ये पल्स ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट आती है और ऑब्जेक्ट की दूरी बता देती है। और ये सिस्टम ड्राइवर को एकॉस्टिक टून से अलर्ट करती है, यानी साउंड निकालती है कार ऑब्जेक्ट के पास आने पर। ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंट, ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, रेडार और कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेंसर खाली जगह को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो जगह परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो या फिर किसी एंगल पर हो। और स्पॉट ढूंढने के बाद व्हीकल रुकने का सिग्नल देती है, फिर उसे रिवर्स मोड ऑन करने के बाद ब्रेक पैडल रिलीज करते ही कार ऑटोमेटिक पार्क होने लगती है। लेकिन इसमें हमें एक्सेलरेशन और ब्रेक का हमें ध्यान देना होता है, स्टीयरिंग ओनली ऑटोमेटिक काम करते हैं, लेकिन हमें ब्रेक्स और एक्सेलरेशन को ऑपरेट करना होता है तभी ये पार्क हो पाती है करेक्टली। ड्राइवर इमरजेंसी स्टॉप असिस्टेंट, ड्राइवर इमरजेंसी स्टॉप असिस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें अगर ड्राइवर सो जाता है या फिर किसी वजह से ब्रेक या एक्सेलरेशन पेडल नहीं दबा रहा तो कार इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल भेजेगी, तो भी अगर ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो कार ऑटोमेटिक साइड में होकर रुक जाएगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।